राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है तो बड़ी बात होगी। वीवीपैट मतदाता के हाथ में आए वे खुद डब्बे में डाले और उसकी गिनती हो, ये सभी चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी रामलीला मैदान में मैच फिक्सिंग की बात कही, संदेह सभी के मन में है। माहौल बन पाया अभी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। प्रथम बस्तर में और द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, और तृतीय चरण में फिर 7 लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ के जो बचे हैं उसका उसमें मतदान होंगे। तो आज मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का और हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे नाम गांव जैसे ये संस्कारधानी है जहाँ से मुझे नेतृत्व करने का, यहाँ के क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है, सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएं सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ये कोशिश हो रही क्या सर, जो ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो कार्यकर्ताओं की तरफ से? आपने अपील ज़्यादा नामांकन नहीं, मैंने अपील ये, देखिए जब ईवीएम का सवाल उठा तो ईवीएम को रोकने क्या उपाय है, तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो जो प्रश्नोत्तरी है जिसमें प्रश्न क्रमांक 303 उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहाँ फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। अब इसको तोड़ मड़ोर के जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है। बचत वहाँ के साथियों ने कहा हम नामांकन भरेंगे, वो तो पाटन की बात थी, दुर्ग लोकसभा की बात थी। तो शंकाएँ तो अभी भी है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ? हमारे पोलिंग बूथ से हमको लीड करना था लेकिन हम पिछड़ गए। तो ईवीएम पे लोगों का विश्वास तो रहा नहीं। अभी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि ये इसी समय जल्दी से जल्दी यदि उसमें कोई फैसला आ जाता तो बड़ी बात होगी। जो वीवीपैट है वो मतदाता के हाथ में आए और वो बॉक्स में डाले और उसकी गिनती हो, ये तो सभी चाहते हैं, सभी नेताओं ने भी कहा। और जिस प्रकार से राहुल जी ने 31 तारीख को रामलीला मैदान में जो कहा कि मैच फिक्सिंग की बात, तो वो शंकाएं तो सब में है। लोकतंत्र के इस पर्व में आपने पहले नामांकन कर लिया, संतोष पांडे प्रतिनिधि भी आते रहेंगे, क्या उनको शुभकामनाएं देंगे आप? देखिए संतोष पांडे जी पहले सांसद रहे और यहाँ के लोग उसे ढूंढ भी रहे हैं, हमने तो 5 साल देखा नहीं है। और संतोष जी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको दोबारा टिकट मिला। क्या सर फर...